भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य ललित उपाध्याय गुरुवार को अपने कर्मभूमि गाजीपुर पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक में वाराणसी के रहने वाले ललित उपाध्याय और उनकी टीम ने कांस्य पदक जीता। 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कोई पदक जीता है। ललित उपाध्याय ने मेघवरण सिंह हॉकी स्टेडियम करमपुर गाजीपुर में कई वर्षों तक हॉकी खेली है। पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय पर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को गर्व है। इसी की खुशी गुरुवार को जिले में दिखाई दी। लंबे काफिले के साथ क्षेत्र के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नाच गाने के साथ मेघवरण सिंह स्टेडियम में उनका काफिला पहुंचा। वहां मौजूद लोगों ने ललित उपाध्याय का जोरदार स्वागत किया। इसी स्टेडियम में ललित ने लंबे समय तक हॉकी की प्रैक्टिस की, फिर ओलंपिक में जाकर कीर्तिमान रचा। इस बार ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीम ने सभी को प्रभावित किया। हालांकि भारतीय महिला हॉकी टीम पदक से एक कदम पीछे रह गई, लेकिन पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। ललित उपाध्याय ने बताया कि वाराणसी भले ही मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मेरी कर्मभूमि गाजीपुर है। जब मैंने यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मगर तेज बहादुर सिंह उर्फ तेजू भैया ने मेरी हर संभव मदद की, जिसके कारण मैं हॉकी इंडिया टीम का हिस्सा बना और देश के लिए मेडल जीत सका। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से बात की है, खेल के पहले और खेल के बाद भी, जिससे सभी खिलाड़ियों का काफी हौसला बढ़ा। खेल विभाग के डॉक्टर आरपी ने भी हर संभव मदद की। ललित उपाध्याय ने कहा कि मेरी पहचान हॉकी से है और हॉकी को ऊपर जाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने किया। इस दौरान गंगा सागर सिंह, रामाशंकर सिंह, हिरन सिंह, सुनील यादव, रामजीत यादव, रामकृष्ण सिंह, प्राचार्य नागेंद्र पाठक, अदालत यादव, इंद्रदेव, सुजीत तिवारी, मनोज सिंह, अनिकेत सिंह, आशुतोष सिंह, अश्वनी पांडे आदि उपस्थित रहे। ये सौभाग्य हमें मिला है कि पूर्वांचल जर्सी से करमपुर से खेल के अगर मैं वहाँ तक गया हूँ, तो इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं मिल सकता कि मैं अपने देश प्रदेश और अपने शहर का नाम रोशन कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि अगर इतनी छोटी सी जगह से निकल के ऊपर तक कोई जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को बहुत गर्वित फील करता है। एक तरह से देखा जाए कि आप जहाँ से खेले हैं वही आपका भव्य स्वागत, इसमें क्या कहना है? इसके लिए बस यही बोलूँगा कि राधे मोहन भैया, गंगा सागर भैया, हिरन भैया और पूरा समस्त पूर्वांचल यहाँ पे उपस्थित है। और जब अपने किसी बीच से निकले प्लेयर को और अपने ग्राउंड से निकले प्लेयर को इतना प्यार मिलता है, तो आने वाले प्लेयर को, आने वाली पीढ़ी को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अगर मैं भी हॉकी खेलूँगा तो मैं भी कंट्री के लिए मेडल और ये सब ला सकता हूँ। सर, ये आपकी जो है कर्मभूमि रही है, अन्य साथियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही बोलूँगा कि खूब खेलें, अपने कोच की बात सुने, डिसिप्लिन रहें और सपने देखें। कभी ये मत सोचें कि उनके पास क्या नहीं है, हमेशा ये सोचें क्या पा सकते हैं। इस स्टेडियम का द्रोणाचार्य जो है तेजू सिंह को कहा जा रहा है, क्या लग रहा है? बिल्कुल दो राय नहीं है। एक्चुअली द्रोणाचार्य तो आप एकदम नाम दे रखे हैं ना, लेकिन अगर उनके कामों को देखा जाए और जो उन्होंने अपने लाइफ में जीवन, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था देखा जाए तो हॉकी के लिए, और लेकिन जहाँ भी देख रहे हैं उन लोगों को बहुत खुशी होगी इस चीज़ को लेकर। और मैं यही कामना करता हूँ कि जो उनका सपना है कि इसका नाम अभी तक तो वर्ल्ड में हो ही गया है पूरा, कि हाँ लोग जान रहे हैं कि यहाँ से ललित उपाध्याय खेल रहे थे, तो मैं ये चाहूँगा कि आगे भी इसी परंपरा को आने वाली पीढ़ी जो करमपुर की, जिनको कि राजीव मोहन भैया और प्रिंसिपल साहब और हिरन भैया और उसके बाद इनका सरकार इतना सपोर्ट कर रहे हैं हर एंगल से, मतलब अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल और उनको टर्फ पे भी पूरा पानी लगवाना, सब कुछ करवाना, किट की सुविधा करवाना, क्योंकि मुझे खुद किट के लिए फ़ोन आता है तो मैं इस चीज़ों को समझ सकता हूँ, क्योंकि इतने लोगों को एकेडमी चलाना कोई आम बस नहीं है, वो भी अपने पर्सनल खर्चे से जो शायद ही कोई करता है, तो ये चीज़ बहुत बहुत बड़ी बात है। और यही मैं बोलूँगा कि इसी तरह यहाँ से प्लेयर निकलते रहें और मेडल आते रहें, जिससे उनके भी उनको और खुशी होगी जहाँ से भी देख रहे हैं। ललित जी, ये आपके कर्मभूमि स्टार्टिंग दौर में रही है, शुरुआती दौर में, तो यहाँ के क्या आपके जुड़ाव हैं और कैसे आप यहाँ से करियर की शुरुआत की और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे मतलब मेरा तो बनारस से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं वहीं से साई में सेंटर में था, मेरे गुरु जो थे परमानंद मिश्रा जी हैं, अभी भी हैं वो। मैं यहाँ पे आया हूँ ग्रेजुएशन के दौर में, जब मुझे यहाँ पे भैया ने बुलाया स्पेशली, क्योंकि भैया बहुत मानते थे मुझे और काफ़ी मुझे मानते थे एज ए प्लेयर। पहले वो जितने भी प्लेयर्स थे उनको रिस्पेक्ट दिए, मेरे आने से पहले भी यहाँ पे प्लेयर इंटरनेशनल निकल चुके थे, लेकिन होता है कि किसी को ज़्यादा मौका मिलता है गुरु को कुछ करने के लिए, तो यही भी बोलूँगा। और मैं जो भी बोलूँगा मतलब मेरा ये था कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूँ जैसे कि उनको भी लगे कि हाँ एकेडमी के लिए और मतलब करमपुर के लिए कुछ मैं करूँ, ये मुझे सौभाग्य मिले, तो शायद मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि मुझे कुछ करने के लिए।
रिपोर्ट, CN न्यूज़।